Hello viewers, hi everyone, a very good morning to all of you. You are watching Marsha's Blog and Recipes, and here I am, Marsha. Welcome and welcome back to my channel. So, ani morning starting tha, chia 6, niya chomi kyung mani, nungi peg rakha, nungi peg ramani pore, babu tay ani bisani babu, cha bokshari tha, babu khe ani cha sanam nai black tea, darungi babi hinka hinke, milk tea, without sugar. Ang takke bano sugar cha rili ya nogo, kutish karjak no, cha sanam sanam mui borok no, bo khani mo, ani bisari tay, ani bakra no. Hinke, tumutung nagra na kwang, tumutung mani ya gulo hinke, मुलाई बलाई बाजा चाई इको चा नंग सुकांग खै चा मो खै मुलाई बाई फंटक आ मुलाई फंटक मुलाई आलो रुई नाय बेर मा रुई नाय सांग तंग मुलाई बति गाइ ता खान से संगे चारि जाके ता खै मुलाई मा सुतुई तंग सुनो ग ब छाइ खान ब छाइ खाली मते के संगे दिपो मो खै फंटक किसा मन दें खै रि चा खानि पाइ खिया जतन न माने समंग तंग नाय रंग न काका संगे सामू तंगे मांग खरक नहीं दंग सिने सामू तंगे खरक बड़े हिंदे बाग न खरक दग न छह जन न चा बिस्किट रेडी बाकी मौसम तंग से जाता दीदी ने बागी नहीं ब्रेकफास्ट तंग पाई थी जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शुमा शिवा धरती स्वाहा और स्वर्गदा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा को हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सबमें व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधु और केतंब को मारने वाली देवी तथा ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मुझे रूप दो, आत्मस्वरूप दो, जय दो, मोह पर विजय दो, यश दो, मोह विजय तथा ज्ञान प्रतिरूप यश दो और कांकरों आदि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कांकरों आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और कांकरों आदि शत्रुओं का नाश करो। शुंभ और निशुंभ धूम्र लोचन का मृदन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और कांकरों आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वंदित युगल चरणों वाली तथा मैजिक काला जादू तंत्र मंत्र सबसे ज्यादा कब होता है? अमावस्या और पूर्णिमा के दिन। दिवाली कब होती है? अमावस्या के दिन होती है। सो इस दिवाली आप तीन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना। पहली और जरूरी बात, अगर आपके घर के पास, अगर आपकी गाड़ी के पास, अगर आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर कोई भी इंसान ऐसी कोई चीज छोड़ जाता है जो आपको समझ नहीं आ रही, कुछ नेगेटिव चीज है, तो उस चीज को डिस्पोज ऑफ कैसे करना है? सबसे बढ़िया तरीका है उसको जला दीजिए। जो भी ऐसी चीज अगर आप उसको जला देते हो तो जिसने भी ऐसा नेगेटिव काम किया है वो नेगेटिव इफेक्ट उसी इंसान के पास जाके वापस पहुंच जाता है, आपको उसका कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी जरूरी बात, कोई भी ऐसा इंसान जिसको आप भरोसा नहीं करते उसके हाथ से व्हाइट कलर की चीज बिल्कुल मत खाना।
तीसरी जरूरी बात, कोई भी चौराहा जहाँ पर चार रोड्स मिलती हैं, वहाँ पर कोई ऐसी चीज अगर पड़ी हुई है, क्योंकि चौराहा राहु को रिप्रेजेंट करता है, चाहे कितना भी कीमती सामान वहाँ पड़ा हो, आप साइड से निकल जाइए। ये तीन चीजें अपने लव वंस को, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, एंड हैप्पी दिवाली। मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जिस कमरे में मंदिर हो वहाँ कोई और ना सोए, मंदिर के साथ गुरुओं की तस्वीरें ना लगाएं, मंदिर के ऊपर कोई सामान ना रखें, मंदिर के नीचे कोई सामान ना रखें, मंदिर को खाली रखें। नीचे तो आप एक बार फिर भी अलमारी बना के सामान रख सकते हैं, लेकिन मंदिर के ऊपर ना रखें। मंदिर में भगवान को सीढ़ी नुमाना बनाए कि एक भगवान के ऊपर दूसरा भगवान, दूसरे भगवान के ऊपर तीसरा भगवान बैठा है, और भगवानों को आप अक्सर अपने घर के मंदिर में कुछ इस तरह से बिठा देते हैं, जैसे स्कूल में क्लास में बच्चे कॉम्पिटिशन करते ना, तेरे से मेरे ज्यादा नंबर, मेरे तेरे से ज्यादा नंबर। भगवान हमेशा ऐसे बिठाए, भगवान हमेशा ऐसे बिठाए कि एक दूसरे से भगवान बात कर रहे हैं, उन्हें कोई सजा नहीं मिली है। लक्ष्मी जी विष्णु जी को देख रही है, गणेश जी को देख रहे हैं, गणेश जी लक्ष्मी को देख रहे हैं, दे शुड टॉक टू ईच अदर। इस तरह से नहीं, अगर आपने अपने भगवान की सभी मूर्तियों को सीधा बिठा रखा है तो उन्हें थोड़ा सा टिल कर दें एक दूसरे की तरफ, कव में बिठाएं, ऐसे सी सर्कल में बिठाएं, सारे भगवान एक दूसरे से बात कर रहे हो तो आपके घर में समृद्धि, ताकत और धन दौलत ज्यादा आएगी। हेलो एवरीवन, धनतेरस के दिन आपको आपके घर में ये कुछ चीजें जरूर खरीद के लाना चाहिए। जनरली आपने देखा होगा कि लोग सोना चांदी या बर्तन खरीदते हैं, परंतु इस सबसे भी कहीं ज्यादा जरूरी होता है कि धनतेरस के दिन आप नमक खरीद के लाएं, और उस नमक को न सिर्फ खाने में प्रयोग करें बल्कि जो घर में पोछा लगता है उस पोछे में भी उस नमक को जरूर डालिएगा। और साथ में आपको दो झाड़ूएं जो है वो जरूर खरीद के लानी है धनतेरस के दिन। अगर आपकी झाड़ू खराब हो रही है तो धनतेरस के दिन उसे डिस्कार्ड कर दीजिए, घर से हटा दीजिए। और इसके अलावा आपके घर में शंख ध्वनि धनतेरस के दिन जरूर होनी चाहिए। अगर आपके घर में शंख नहीं है या पूजा में शंख नहीं बजाते हैं तो आप धनतेरस के दिन एक शंख भी जरूर खरीद के लाइएगा। अगर ये दक्षिणावर्ती शंख मिल जाए तो सोने का सुहागा है, क्योंकि लक्ष्मी जी को शंख बहुत पसंद है और दक्षिणावर्ती शंख जो है वो बहुत शुभ होते हैं, तो आप इन्हें अपने घर में जरूर लाइएगा। अधिकतर लोग भक्ति में ये सोचकर आते हैं कि यार भगवान के पास रहेंगे ना तो हमारी सारी इच्छा पूर्ण होगी, हमारा कष्ट कम हो जाएगा, हम जो मांगेंगे हमें सब मिलेगा। पर भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें 5 उंगलियां दी हैं, अगर तुम्हें कुछ उठाना है तो तुम 1 उंगली से 2 उंगली से 3 से नहीं उठा सकते, पर अगर तुम इसको अपनी 5 उंगलियों का एक साथ प्रयोग करके उठाओगे तो ये उठ जाएगा। ऐसे ही मुझ तक तुम अकेले भक्ति मार्ग से नहीं पहुंच सकते, मुझ तक पहुंचने के 3 पड़ाव हैं। तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो तुम भक्ति में आए, पर अगर तुमने सबसे इम्पोर्टेंट कर्म ही करना छोड़ दिया तो तुम्हारे इसमें आने का क्या फायदा। एक्चुअल में इंसान को भक्त बनाने का पर्पस ये होता है कि वो स्वयं तो सत्कर्म करे पर वो सामने वाले से भी करवाए। और ये तीनों चीजें जब हनुमान जी अपना सीना चीर कर दिखाते हैं तो किस रूप में दिखती है, राम जी यानी कि ज्ञान, उनकी भक्ति करते हुए उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण, और अपना कर्म निभाती हुई उनकी अर्धांगिनी मां सीता। और इस मार्ग पर भगवान हमारी सबसे ज्यादा परीक्षा लेते हैं, हमें कदम कदम पर संकट आते हैं, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि पवन तनय संकट हरण की, हे पवन पुत्र आप इन सब संकटों को भरिए, पर किस रूप में, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप, यानी कि केवल हनुमान जी को अपने हृदय में स्थान देने से ज्ञान भक्ति और कर्म तीनों राम जी लक्ष्मण जी और माता सीता के रूप में हमारे हृदय में स्थापित होंगे। जय श्री राम। आपकी जबान पे सरस्वती बैठती है ये 100% सच बात है। जब 7 बजे का वक्त होता है तो भगवान जो है वो अपने रथ पे निकलते हैं और ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं, और तब का जो वक्त होता है वो बहुत ही शुभ होता है, और इसलिए 7 बजे के वक्त पे अगर आपने कोई भी बात कही तो वो बात हमेशा 100% सच होगी। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप कोई भी आपके दिमाग में थॉट आए जो नेगेटिव आए, वो थॉट को नेगेटिव आप दिमाग में रखिए लेकिन आप बोलिए पॉजिटिव। क्या होता है, वाणी में एनर्जी होती है और एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इसलिए आपकी नेगेटिव बातें हमेशा रह जाती हैं और वही नेगेटिव बात आपको इफेक्ट होती है। दोस्तों धनतेरस पर प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार लोग सोने चांदी नए बर्तन आदि की खरीदारी करते हैं, लेकिन धनतेरस पर केवल सोने चांदी के आभूषण आदि से ही माँ प्रसन्न नहीं होती है, बल्कि 6 ऐसी और चीजें हैं जिन्हें इस मौके पर घर पे लाने से जबरदस्त बरकत होती है, धन संकट कभी नहीं होता है। आइए जानते हैं कौन सी है वो 6 चीजें। देखिए वीडियो को अंत तक। पहले पान के पत्ते। दोस्तों जान लीजिए कि धनतेरस पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 5 पान के पत्ते लाएं, इन पत्तों को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, दीपावली के बाद इन्हें बहते जल में प्रवाहित करें। दूसरा लक्ष्मी जी के चरण। देखिए धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने जैसा है, घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। तीसरा लक्ष्मी गणेश की मूर्ति। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन मिट्टी की बनी हुई माँ लक्ष्मी और गणेश जी इनकी मूर्ति लाना बेहद शुभ होता है, इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा घर में लाने से सुख समृद्धि का वास होता है। चौथी नया झाड़ू। लेकिन धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है, झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। पांचवी खीर बताशे। दीपावली के अवसर पर नए धान की फसल तैयार की जाती है, मान्यता है कि धनतेरस के दिन खीर बताशे घर पर लाने से पूरे साल घर में धन की कमी नहीं होती और अनाज की कमी नहीं होती। छठा और आखिरी धनिया। धनतेरस पर धनिया भी घर पर लाने की परंपरा है, धनतेरस पूजा में माँ लक्ष्मी को धनिया अर्पित करना चाहिए, साथ ही थोड़ा सा धनिया अपने घर के स्थान पर भी रखना चाहिए। शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि भी अगर आप छोटी दिवाली में बड़ी दिवाली में अगर ये स्विचवर्ड बोल दोगे, स्विचवर्ड क्या वैदिक मंत्री है, रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि रिद्धि सिद्धि, अगर आप बोलोगे तो जीवन में आपके कभी पैसों की कमी नहीं रहेगी, ये आपको जरूर बोलना चाहिए। शुभ लाभ शुभ लाभ शुभ लाभ। Yamraji, the god of death, is particularly significant on Dhanteras, which is why in the evening on this day, we seek his blessings to save us from untimely death or akal mrityu. Here's what you have to do. Go outside your house and face south. Then light 13 sesame oil diyas for each family member of yours. So if you are a family of 4, then you've got to light 52 diyas. Once the diyas are lit,
facing south, take the 14 names of Yamraj ji and pray to him for your health and longevity. Remember, Dhanteras is the first day of the 5-day festival of Diwali, and while we do pray for wealth and prosperity, what good is it if we don't have good health? So on this day, on Dhanteras, remember to seek the blessings of Yamraj for your health and longevity. कार्तिक के महीने में प्रतिदिन तुलसी माता को जल दिया जाता है। एकादशी और रविवार के दिन हमें स्पर्श नहीं करना चाहिए तुलसी माता को, तो ऐसे में शाम के समय दूर से दीपक और भोग वगैरह रखना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। और महीने में अगर 5 से 6 दिन तक अगर आप दीपक नहीं रख पाते तो घर से किसी भी सदस्य के माध्यम से दीपक जो है तुलसी माता के पास आप रख सकते हैं। तुलसी माता में जब भी हम दीपक रखते हैं तो दूर रखना चाहिए, गमले के अंदर ना रखें। जो भी भोग रखते हैं या जो भी चीज़ें रखते हैं प्लेट में दूर रखना चाहिए। और तुलसी माता की पूजन करने के बाद चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए और थोड़ी सी उनकी चरण अपने मस्तक पर रज जरूर लगाना चाहिए। जब भी हम तुलसी माता की पूजन शाम के समय करें तो तुलसी माता की आरती जरूर करें और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्र का जाप भी जरूर करना चाहिए। तो इस तरीके से कार्तिक मास की तुलसी पूजन का नियम बना के रखें। हर हर महादेव। दीपावली की पूजा में और सजावट में खासकर दो चीजें बहुत जरूरी है जिनका उपयोग आपको जरूर करना चाहिए। पहली चीज है रंगोली, जिसमें आप कलश जरूर ड्रॉ कीजिए धनतेरस के दिन। और दूसरी चीज है गेंदे के फूल, जो आपको तोरण के रूप में जरूर सजाना चाहिए। यदि आप अपने घर गेंदे के फूल का तोरण लगाते हैं, ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करता है और आपके घर वर्ष भर सुख समृद्धि बनी रहती है। कलश भी समृद्धि का प्रतीक है, इसीलिए कह रही हूँ कि रंगोली में इसे ड्रॉ कीजिए। घर में कलश रखिए, मंगल कलश बनाइए दीपावली के समय, और साथ ही कलश के स्टिकर भी आप लगाएंगे, इससे भी समृद्धि बनी रहेगी, क्योंकि माइंड में कॉन्शियसली आपके भरा हुआ समृद्धि वाला घर चलता रहेगा। ऐसी विशेष जानकारियों के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। दिवाली में लक्ष्मी पूजन के लिए 2 दिन पहले धनतेरस तिथि को भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति घर लाई जाती है। धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व है, ऐसे में इस दिन भगवान की मूर्तियां भी लाते हैं और दिवाली के दिन इन्हीं प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। चलिए जानते हैं कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति एक साथ जुड़ी ना हो। इसके अलावा माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए, खड़ी हुई मुद्रा में भगवान की मूर्ति को घर ना लाएं। इस बात का ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी की मूर्ति कमल के फूल पर विराजमान हो, उनके एक हाथ में कमल हो और दूसरे हाथ से वो आशीर्वाद दे रही हो। इसके अलावा धन की मटकी भी हो सकती है। माता की प्रतिमा का रंग गुलाबी होगा तो और अच्छा होगा। वहीं गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान दें कि उनकी सूंड बाईं तरफ हो। गणेश जी के हाथ में मोदक होना चाहिए और उनका वाहन चूहा भी साथ में हो। मूर्ति मिट्टी की बनी होनी चाहिए, मिट्टी की मूर्ति को शुभ माना जाता है। दोस्तों, दीपावली की पूजा वाले दिन 99% लोग कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी पूजा सफल नहीं हो पाती है। ये गलतियां होती तो बहुत ही छोटी हैं, आपको महसूस भी नहीं होगा, लेकिन इनकी वजह से आपकी पूजा अधूरी रह जाती है। ऐसी कुछ गलतियां आपको बताऊंगी। सबसे पहली गलती तो पूजा में जल्दबाजी करना होती है। उस दिन काफी रश रहता है, बाहर पटाखे चल रहे होते हैं, घर में रंगोली बनी होती है, ऐसे में पूजा शांत मन से नहीं हो पाती, पूजा में जल्दबाजी हो जाती है और यही जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, इसी जल्दबाजी से आपको बचना है। दूसरी चीज, अपनी तिजोरी की सफाई करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सफाई तो आपने पहले कर ली होगी, लेकिन वहां पर जाकर पूजा आपको करनी है। वहां पर जाकर तिलक लगाएं, धूप दीप लगाएं। कार्तिक माह में आने वाली देव उठनी एकादशी पर श्रीहरि का पूजन करना विशेष फलदायी होता है। इसे देव उत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन विष्णु जी श्री निंद्रा से जागते हैं और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 पर शुरू होगी और 12 नवंबर 2024 को शाम 4:04 पर समाप्त हो जाएगी। पूजा विधि बिल्कुल सरल विधि से 29 अक्टूबर को प्रदोष काल में पूजन की जाएगी। पहले आटे और हल्दी का चौक तैयार कर लीजिए, उसके ऊपर चौकी बिछाइए, चौकी के ऊपर लाल कपड़ा रखिए, माता लक्ष्मी की श्रीयंत्र फोटो और कुबेर देवता की फोटो को तो जरूर रखिए, ना तो एक सुपारी जरूर रखिएगा। पहले चावल का आसन दीजिए, फिर माता लक्ष्मी की फोटो और श्रीयंत्र को स्थापित करिए। पुरानी गणेश लक्ष्मी की जो मूर्ति मंदिर में रखी उन्हें स्थापित करिए। एक सुपारी को लीजिए, मौली से लपेट करके जो है कुबेर देवता का ध्यान करके इन्हीं के रूप में इनको आपको पूजन करना है। उसके बाद चावल का शास्त्री भी बना सकते हैं आप। फूल जरूर, पान का पत्ता, शहद जरूर रखिएगा और जो भी नई चीजें लाएंगे आप उसी समय आपको रख के पूजन करना है। चाहे बर्तन है, सोना चांदी, झाड़ू, जो भी लाते हैं आपको पूजन करना है और साथ ही धनिया जरूर लाना है, श्रीफल भी जरूर रखिएगा। फिर पूजन कर लीजिए, जो है कुमकुम, अक्षत, हल्दी और जल चढ़ा के पुष्प चढ़ा के पूजन करिए। इत्र जरूर रखिए, केसर भी चढ़ाइएगा और माता लक्ष्मी को पान के पत्ते पर रख के शहद का भोग जरूर लगाइएगा। खीर का भोग लगा सकते हैं, खीर बतासे मिष्ठान फल का भी भोग आप लगा सकते हैं। श्रीफल जरूर लगाइएगा। दीपक धूपबत्ती लगाने के बाद आपको श्री शुद्ध कर्णधार स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। दीपावली की पूजा सामग्री में क्या क्या रखना चाहिए, तो चौकी पर लाल कपड़ा बिछाने के लिए गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, हल्दी की गांठ, कमलगट्टा, गोमती चक्र, कौड़ी, इत्र, केसर, मौली, शहद, पान का पत्ता, पीला चंदन, अक्षत, जनेव, कमल का पुष्प, गंगाजल, मिष्ठान,
बतासा और धान का लावा जरूर रखिएगा, जनेऊ रखिएगा गणेश जी को चढ़ाने के लिए, हल्दी के पाउडर रखिएगा। उसके बाद आपको जो है मिष्ठान फल जो भी रखना चाहे, अखंड जो जलाने के लिए घी, लंबी बाती, दीपक जलाने के लिए पात्र रख लीजिएगा। और माता लक्ष्मी को प्रिय भोग यानी आप पान के पत्ते पर शहद डाल के भोग जरूर जो है दीपावली वाले दिन भोग अर्पित करिएगा। माता लक्ष्मी का प्रिय भोग है, जहां भी चौकी लगाएंगे वहां पर आटे और हल्दी का चौक तैयार करने के बाद उसके नीचे चौकी आपको स्थापित करना है। एक श्रीफल जरूर रखिएगा माता लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए, चांदी का सिक्का भी जरूर रखिएगा। और जो भी सामग्री माता लक्ष्मी को चढ़ाएंगे जैसे कि आप धनिया, कमल गट्टा, हल्दी की गांठ, गोमती चक्र और जो भी आप कौड़ी वगैरह चढ़ाएंगे, ये सभी पूजन करने के बाद लाल कपड़े में बांध करके आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरीके से सरल पूजा सामग्री आप दीपावली के दिन जरूर। कार्तिक मास जो इस समय चल रहा है साधना सेंट्रिक मास होता है, और इस मास में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार पड़ते हैं जैसे करक चतुर्थी जिसको करवा चौथ कहते हैं, अहोई या दंपत्य अष्टमी जो बच्चों के लिए रखा जाता है, यम दीपदान, धन त्रयोदशी, रूप त्रयोदशी, हनुमान जन्म महोत्सव, यम तर्पण, दीपदान, कार्तिक अमावस्या जिसमें दिन में सफाई की जाती है घर की और रात में सूप और डमरू को जोर जोर से बजाकर लक्ष्मी को घर से विदा किया जाता है, दिवाली, शाक सप्तमी, सार्वभौम, आरोग्य व्रत, राज्य प्राप्ति व्रत, तुलसी विवाह और फिर अंत में कार्तिकी का उद्यापन किया जाता है। इसके साथ साथ कार्तिक मास में स्नान, दीपदान और मंत्र जप का बहुत महत्व है। कहते हैं कि इस मास में किए गए जप पाठ कम समय में ही सिद्ध होने लगते हैं, और मदन परिजात में लिखा है कि कार्तिक मास में जितेंद्रिय रहकर नित्य स्नान करें और सिर्फ एक बार भोजन करें तो सब पाप दूर हो जाते हैं। कहते हैं कि कार्तिक मास में विशेषकर स्त्रियों को सुबह सुबह उठकर कार्तिक स्नान कर रात में मंदिर, चौराहों, तुलसी के बिरवों, पीपल के वृक्षों आदि स्थानों पर दीपक जलाना चाहिए और लंबे बांस में लालटेन बांधकर किसी ऊंचे स्थान में आकाशीय दीप को प्रकाशित करना चाहिए। श्रृंगार और पति की लंबी उम्र का लॉजिक मुझे कभी समझ नहीं आया। मैं अक्सर सोचती कि मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां, पैरों में पायल और बिछिया पहनने से पति की उम्र कैसे बढ़ती है। आज जब श्रृंगार के पीछे की साइंस समझ आई तो सब समझ आया। जब एक औरत श्रृंगार करती है तो सबसे पहले वो अपने शारीरिक और मानसिक तनावों को दूर करती है, क्योंकि हर एक श्रृंगार उसके शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालता है। और यकीन मानिए, जब घर की औरत खुश और स्वस्थ होती है तो उसका सकारात्मक असर सिर्फ उसके पति पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। वो सक्षम होती है पूरे परिवार को तनाव रहित रखने में और एक सुखद वातावरण बनाने में। If you're watching this video before 27th October, remember this. You can still change your life completely before you step into the new year. Make sure to save this and get started with this practice. It takes 66 days for you to reprogram your subconscious mind, and having a solid morning routine can be a game changer for you. Every morning, set aside 1 hour and start practicing SAVERS. SAVERS stands for silence. Sit with yourself in silence for 10 to 15 minutes. You can also meditate to calm your mind. The next one is affirmations. Write down 10 positive affirmations about you and read it loud in front of the mirror. Third is visualization. Spend at least 10 minutes visualizing your ideal life and feel those emotions of how your life will look like once you've manifested your goals. The next one is exercise. For this, you don't have to go to the gym. Do any kind of a high intensity workout like jumping jacks, Surya Namaskar or anything for 2 minutes to get your heart rate up. R is reading. Read at least 5 pages from a book that will help you become better. No fictions or newspaper. The last one is scribing. It means writing. Every day, write down 1 full page of your goals in present tense. Try this for the next 66 days and I promise you that you'll be a completely different person before 2025. Type comment in the comments if you're going to get started with this. Chitra Bhagwan ki puja samagri. Jaise ki hame Chitra Bhagwan ki photo chahiye. फिर बच्चों की जो पढ़ाई होती है कॉपी किताब वो सबसे जरूरी होती है। फिर यहाँ पे जितने परिवार हैं उतने पेन रखिए और साथ में बच्चों के लिए एक पेंसिल। उसके बाद दीपक जलाना रहता है क्योंकि हर पूजा में धूप दीपक दिखाना रहता है तो पूजा होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूजा सामग्री क्या है, धूप, बेलपत्र, अक्षत और हल्दी, डोली, मौली, बतासे, ये है धान के लावे, मिठाइयाँ आप चाहे जो चाहे आपके समझ के ऊपर है। उसके बाद हमें बिजनेस में जो भी आपके पति बिजनेस करते हैं उसकी डायरी, कॉपी, सारी चीज़ें रखी हैं, जल रखी हैं। फिर एक बात, सादा कागज़ आपको अवश्य रखना है जिसपे आपको भगवान की आकृति बना के सीताराम लिखना है। जिसके बाद हम सीताराम लिखने के बाद कोई पूजा या लिखना, बही खाता लिखना या पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं। Simple ritual on the evening of Amavasya can transform your Deepavali into a mindful celebration. Watch till the end for the shlokas to anchor your thoughts during this ritual. Start your evening celebration by taking 2 deepam or earthen lamps with sesame oil and then draw any simple rangoli on either sides of the threshold at the entrance of your home. Apply Haridra Kumkumam to that rangoli and then gently place the deepam on them while chanting these 2 shlokas out loud but contemplating on their meaning. Shubham kurutvam kalyanam arogyam dhana sampadam shatru buddhi vinashaya deepajyotir नमोस्तुते असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति। Let us know in the comments if you want to receive the script of the shlokas along with the meaning and significance. Share this beautiful practice with your friends and family. Om Swasti. Every Sanatani
should chant this shloka on Thursdays to offer tribute to the great gurus of Sanatana Dharma, famously known as Saptarshis. Kashyapotrir Bharadvajo Vishwamitrotha Gautamaha Jamadagnir Vasishthascha Saptaite Rishayasmritah. Kashyapa, Atri, Bharadvaja, Vishwamitra, Gautama, Jamadagni and Vasishtha. These are known as the seven great rishis, Saptarshis, who bestowed this rich spiritual and cultural heritage upon us. Remembering them is like seeking their blessings, and if we have a clear mind during our practice, they can actually bless us with the answers for our questions and uplift us to the best of our ability. Let us know in the comments if you want to receive the script with the meaning of the shloka and share this reel with at least three Sanatani parents. Om Swasti.